हेलो गाइस, माय नेम इज़ साक्षी पठानिया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर। जैसे कि हमने मैनुअल प्रोसेसिंग डिस्कस कर रखी हुई है, मैनुअल प्रोसेसिंग हम कैसे करते हैं, हम मैनुअली परफॉर्म करते हैं, उसके लिए लेबर चाहिए होती है। बट ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर उसका नेम ही बता रहा है कि ऑटोमेटिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम यूज़ करके अपना टिश्यू प्रोसेस करते हैं। तो इट विल गिव अस लेस प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द टिश्यू प्रोसेसिंग। मतलब किसी टाइम एक इंसान से गलती हो ही सकती है और वो टिश्यू प्रोसेसिंग के टाइम की लिमिट एक्सीड कर सकता है या गलती से पहले कर सकता है किसी टिश्यू को किसी रिएजेंट में डिप, बट मशीन नहीं करेगी। अगर मशीन को आप सेट करोगे कि हाँ इतनी देर बाद आपको नेक्स्ट रिएजेंट में डालना, तो दैट विल परफॉर्म एट दैट टाइम ओनली। ओके, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर। Introduction is, it's a device that prepare tissue sampler for the sectioning and microscopic examination in the diagnostic laboratory. As you can see, आप देख सकते हैं ये different beakers हैं, इसमें different reagents डाले जाते हैं। Reagents डालने के बाद ये machine open होती है और the tissue can move from this jar to this. I'll show in the next picture, आप उसमें देख पाओगे कि कैसे वो उसको next में move करता है। टिश्यू प्रोसेसिंग ओवरव्यू, ठीक है कि अब हमारा टिश्यू प्रोसेसिंग कैसे होती है। टिश्यू जो हमें प्रोसेस करना है उसको स्मॉल पीसेस में कट करा जाता है। सबसे पहले स्मॉलर टिश्यू दैट इज 2 to 4 माइक्रोमीटर विल बी प्रोसेस्ड फास्टर देन द होल टिश्यू और ऑर्गन। देखो, अगर पूरा होल टिश्यू होगा या ऑर्गन होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज इट विल टेक मोर टाइम टू रिटेन दोज रिएजेंट इन दैट। ओके, अगर स्मॉलर साइज होगा तो दैट विल टेक लेस टाइम। दीज टिश्यू कैसेट्स, दीज आर द कैसेट्स आर पैक्ड इन टू द ऑसिलेटिंग टिश्यू baskets, these are the baskets to tissue prior to the fixation. अब fixation से पहले हमें इनमें उसको पूरा settle down करना होता है। These are the procedure, ये manual में भी same ही होता है। फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इनफिल्ट्रेशन, एम्बेडिंग, मैं आपको ओवरव्यू दोबारा दे देती हूँ। फिक्सेशन इज हमें अपने प्रिजर्व करना है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को। डिहाइड्रेशन मतलब हमें उसको डिहाइड्रेट करना, अच्छी तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना है जो हमने फिक्सेशन के दौरान करा है। क्लियरिंग इज द रिमूवल ऑफ अल्कोहल दैट इज यूज इन द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इनफिल्ट्रेशन इज टू फिलिंग द इंट्रासेलुलर स्पेसेस दैट इज फॉर्म ड्यू टू क्लियरिंग, डिहाइड्रेशन एंड फिक्सेशन। उसके बाद एम्बेडिंग करनी है ताकि हमें पूरा सपोर्ट प्रोवाइड हो जाए फॉर द कटिंग। तो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डन इन द ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर मशीन। और दीज द पार्ट्स ऑफ मशीन, आप देख सकते हैं ये बास्केट्स हैं, मैं इसके बारे में पहले बता चुकी हूँ। दीज द कंटेनर्स, एक ट्रांसपेरेंट बैकेट है जो प्रोसेसिंग ऑफ फ्लूइड के लिए होता है। दो थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड बीकर्स हैं जिनको टेम्परेचर का जिन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। कोटेड बीकर इज यूज फॉर द पैराफिन वैक्स, दैट मीन्स जो कोटेड हमारा बीकर है वो पैराफिन वैक्स वाले टिश्यू के लिए यूज होता है। दीज आर द डिजिट्स विच आर यूज टू प्रोवाइड द टाइम एंड ऑल द अदर थिंग। कंट्रोल यूनिट है जिसमें डिस्प्ले स्क्रीन भी होता है, कंट्रोल बटन्स भी होते हैं, बाकी टाइम डेस्क अलार्म सिस्टम भी होता है, इलेक्ट्रिक रोटर भी होता है बेस पे जो कि मूव करने में हेल्प करता है, लिफ्टिंग मैकेनिज्म में। मतलब अगर एक जार से दूसरे जार में जाना तो दैट इज डन बाय द लिफ्टिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ATPM। गाइज डोंट गेट कन्फ्यूज की ATPM क्या है, दैट इज ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन। ठीक है, तो इतना लंबा नाम लिखने से बेहतर है ना दैट इज शॉर्ट फॉर्म ATPM, तो दैट्स वाई इट इज यूज हियर। सबसे पहले अब वर्किंग प्रिंसिपल कैसे स्टार्ट होता है। टिश्यू बास्केट ऑसिलेट्स अप एंड डाउन, जो टिश्यू की बास्केट है वो अप एंड डाउन जाएगी ताकि वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट बीकर में जा सके। और वो किससे होगी, जो हमने रोटर नीचे लगाया था उसकी हेल्प से। इनफिल्ट्रेशन टाइम इज सेपरेबली प्रोग्राम फॉर ईच स्टेशन, अप टू 9 प्रोग्राम्स मे बी रन विद द इमीडिएट और डिलेइंग स्टार्टिंग टाइम। व्हेन इट्स टाइम फॉर टिश्यू टू बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट बीकर और जार, द कवर ऑफ द मशीन इज रेज्ड अप। द कवर ऑफ द मशीन इज रेज्ड अप लाइक दिस, ये जो कवर है वो ऊपर होता है और बीकर्स को यहाँ से उठा के नेक्स्ट बीकर में डाल दिया जाता है। ठीक है, व्हेन द इनफिल्ट्रेशन टाइम फॉर एनी पर्टिकुलर स्टेशन इज एक्सीडेड, अगर गलती से कोई भी टाइम एक्सीड कर जाए तो एक वार्निंग मैसेज डिस्प्ले होने लग पड़ता है, तो दैट वाई हमें नेक्स्ट में कंट्रोल नेक्स्ट वाले बीकर्स में उसको ट्रांसफर कर देना चाहिए। टिश्यू बास्केट्स इमीडिएटली इमर्ज इन द स्टेशन इन द इवेंट ऑफ पावर लॉस, अगर इन केस आपका पावर लॉस हो जाए या हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही तो उसको जल्दी से जल्दी एक
स्टेशन पे मतलब एक टिश्यू बास्केट को इमर्स कर दिया जाता है ताकि हमारा जो सैंपल है वो ड्राइंग आउट ना हो जाए, वो ड्राई ना हो जाए, ठीक है। पावर जब रिस्टोर हो जाएगी तो प्रोग्राम विल रिज्यूम, ठीक है। ऐसे नहीं है कि अगर मतलब आपका टिश्यू मूव कर रहा है इधर से नेक्स्ट बीकर में तो अगर इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाए तो वो आपका ड्राइंग आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो इमर्स कर देगा हमारे टिश्यू को किसी भी स्टेशन में। वैक्यूम कन्फिग्रेशन हैज एन इन्फिल्ट्रेशन अलाउइंग प्रेशर टू बी अप्लाई टू एनी स्टेशन इन आइदर मैनुअल और ऑटोमेटेड। फ्यूम कंट्रोल कन्फिग्रेशन मतलब अगर कहीं फ्यूम वगैरह प्रोड्यूस हो रही है तो उसके लिए फैन वगैरह प्रोवाइड करा होता है उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एडेड एफिशिएंसी दीज मॉडल्स ऑफ फीचर्स आर टू पार्ट कंटेनमेंट शील्ड्स सराउंडिंग द रिएजेंट कंटेनर। इसको एफिशिएंसी ज़्यादा प्रोवाइड करने के लिए एक हमने टू पार्ट कंटेनमेंट शील्ड प्रोवाइड करी होती है, ठीक है। दिस इज द मशीन आई हैव शोन यू अर्लियर। तो ये है हमारा स्केड्यूल जो कि मैनुअल में भी ऑलमोस्ट सेम होता है। फर्स्ट बीकर में फिक्सेटिव होता है जिसमें 1-2 आवर्स तक, उसके बाद दूसरा फिक्सेटिव 1 आवर के लिए, तीसरा फिक्सेटिव 30-40 मिनट्स के लिए, देन ही डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है। 70% अल्कोहल, 90% अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, देन मीथल, एंड उसके बाद क्लियरिंग होती है ज़ाइलिन में, उसके बाद वैक्स बाथ करवाई जाती है उसे। दिस इज द इन्फिल्ट्रेशन एंड एम्बेडिंग। तो ये जो हमारा शेड्यूल है ये डिपेंड करता है हमारे साइज पे या हमें कितनी अर्जेंसी। एडवांटेजेस क्या है, इट्स वेरी एफिशिएंट, ठीक है। ऑफ कोर्स इट्स अ मशीन तो उसमें कोई ह्यूमन एरर नहीं होगा, सेव टाइम एंड एनर्जी टू ऑपरेट। अब किसी टाइम गलती से भूल भी जाता है किसी, अगर कोई एक ह्यूमन बींग कर रहा है तो एक्सीड कर सकता है टाइम, लेकिन मशीन नहीं ऐसा करती। कॉस्ट इफेक्टिव है, यूजर फ्रेंडली है, कैन प्रोसेस डिफरेंट इश्यू एट द सेम टाइम। ऑफ कोर्स इट कैन प्रोसेस डिफरेंट इश्यू एट द सेम टाइम एंड मशीन डज द ट्रांसफर ऑफ टिश्यू फ्रॉम वन टू अनदर। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है, तो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मशीन। सो थैंक यू गाइज, हमने ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर के बारे में डिस्कस करा, उसका उसकी ऑसिलेटिंग मशीन के बारे में डिस्कस करा, उसके मोटर्स के बारे में डिस्कस करा, देन उसके पार्ट्स एंड स्केड्यूल के बारे में डिस्कस करा। थैंक यू सो मच गाइज, इफ यू हैविंग एनी क्वेरी यू कैन आस्क।